नमस्कार, मैं हूं नव्या। आइए जानते क्या नया हो रहा है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर अपने फैशन सेंस के चलते आए दिन वायरल होती रहती हैं। कभी अतरंगी कपड़े तो कभी अपने अजीबोगरीब स्टाइल की वजह से उर्फी जावेद कई बार मुश्किलों में पड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनका ड्रेसिंग स्टाइल पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी उनके स्टाइल को कॉपी किया जाता है। जितना उनका फैशन पॉपुलर है, उतना ही उनकी बजानबाजियां लोगों के बीच फेमस है। हाल ही में अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर उर्फी आदित्य चोपड़ा के नेपोटिज्म वाले बयान पर अपने स्टेटमेंट के चक्कर में चर्चा में आ गई। दरअसल हाल ही में आदित्य चोपड़ा ने द रोमांटिक शो में उदय चोपड़ा को लेकर कहा था कि वो यश चोपड़ा के बेटे होते हुए भी एक स्टार के रूप में अपना करियर नहीं बना सके। आदित्य ने कहा था कि मेरा भाई एक एक्टर है, लेकिन वो बहुत ही सफल एक्टर नहीं है। वो सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर में से एक का बेटा है। वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भाई है। वायरफ जैसी कंपनी कई नए लोगों को लॉन्च करती है, लेकिन हम अपने ही घर के सदस्य को स्टार नहीं बना पाए। आदित्य चोपड़ा के इस बयान पर फैशन क्वीन उर्फी जावेद ने भी रिएक्ट किया। उर्फी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि इस बयान में मौजूद सरासर अज्ञानता मुझे बहुत परेशान कर रही है। नेपोटिज्म सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि मौकों को लेकर है। उदय चोपड़ा ना तो अच्छा दिखते हैं, ना ही अच्छे एक्टर हैं। आपको बता दें कि उदय चोपड़ा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत शाहरुख खान की धमाकेदार फिल्म मोहब्बतें से की थी। इस फिल्म में उन्होंने अहम किरदार निभाया था। हालांकि इसके बाद उनके करियर का ग्राफ ऊपर नहीं चढ़ पाया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कई प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। फिल्म मेरे यार की शादी है, सुपारी और नील एंड निकी, मुझे दोस्ती करोगी जैसी उन्होंने कई फिल्में की। इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 2013 में उदय आखिरकार धूम 3 में नजर आए। बीते 9 सालों में बड़े पर्दे से कोसों दूर हैं, इसकी वजह उनका फ्लॉप करियर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।